वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गार्लिक पोटैटो वेजीज, जो बहुत ही कम वक्त में आप तैयार कर सकते हैं। गार्लिक पोटैटो वेजीज बनाने के लिए सबसे पहले आपको 4 मीडियम साइज के आलू चाहिए, 1 टेबलस्पून हरा धनिया और 1 टेबलस्पून पुदीना चाहिए, 5 से 8 लहसुन की जवें या आप गार्लिक पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसालों में शामिल है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी। लहसुन को मोटा मोटा सा पीस लें। अब इसमें तमाम मसाला जात शामिल करें। अब हरा धनिया और पुदीना के पत्ते शामिल करें और इसे अच्छी तरह से पीस लें। अब मसाले के मिक्सचर को एक बड़े बोल में शामिल करें। 1/2 कप मैदा शामिल करें। अब इसको मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें। मिक्सचर को बहुत पतला नहीं बनाना। अब इसमें कटे हुए आलू शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। गार्लिक पोटैटो वेजीज को फ्राई करने के लिए दरमियानी आंच पर ऑयल को पहले गर्म करें। आप पोटैटो वेजीज को एक एक करके ऑयल में शामिल करें। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। गार्लिक पोटैटो वेजीज तैयार हैं। गार्लिक पोटैटो वेजीज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।